तो क्या हालचाल मेरे भाई, आज मैं आप सबको बॉलीवुड की कुछ सीन्स दिखाने जा रहा हूँ जिनका वास्तविकता से कोई मतलब ही नहीं। डायरेक्टर ने पता नहीं क्या फोक के ये सीन बनाए, मतलब सच में एकदम बेकार, जिनको देखने के बाद आप भी कहेंगे ये कौन सा लॉजिक है बे? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाई साहब, आपने धूम मूवी का ये वाला सीन तो देखा ही होगा जिसमें ऋतिक रोशन एक बुड्ढा बन जाता है और जब पुलिस वाले उसे बुलाते हैं तो भाई साहब ये गटर के ढक्कन के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर बातों ही बातों में भाई साहब अपने पैरों के नीचे से पता नहीं कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं कि गटर का ढक्कन गलकर टूट जाता है और भाई साहब गटर के अंदर गिर जाते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ तक कि जो कुछ भी हुआ पॉसिबल है, लेकिन इसके बाद जो हुआ भाई ये कैसे मुमकिन है? ये भाई साहब जिस गटर से बाहर निकल गए हैं सड़क के बिल्कुल बीचों बीच है और सोचने वाली बात यह है कि यह कौन सा गटर है जिसके अंदर इतना प्रेशर है कि मतलब पानी को बाहर निकाल रहा है। और वो भी दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि कौन सा गटर है जो इतना साफ है भारत के अंदर वो भी। और तीसरी बात यह समझने वाली बात है कि भाई ये ऋतिक रोशन हवा में इतनी तेजी से उड़ कैसे रहा है? ये क्या है? अब इन भाई साहब को देखो, ऐसा कैसे हो सकता है? टाइगर भाई सामने वाले बंदे को लात मारी और दो बंदे फालतू में ही गिर गए, मतलब टक्कर से गिर गए। इस सीन में दोनों बंदे आंखों से अंधे हो चुके हैं और डायरेक्टर भाई साहब दिमाग से। बंदे को देख रहे हो ना, इस बंदे को जोरदार लात पड़ी और दो बंदे फालतू में ही भागते भागते आकर टक्कर से गिर जाते हैं। अब इनको देख लो, मतलब सिगरेट हवा में तो मतलब ऊपर चली गई, मुंह में आ गई वो तो मान सकते हैं, लेकिन आंखों से आग, ये कैसा है? मतलब मैजिक है क्या इसके पास? अब यार इन्हें क्या बताएं, डायरेक्टर मतलब कैसी कैसी चीज़ें बना देते हैं, मतलब आंखों से आग कैसे है यार। मतलब अच्छा भाई, इतनी ताकत कहाँ से लाए? अगर रोमन रिंग्स और जॉन सीना अगर इस गाड़ी को मारते हैं ना तो मतलब थोड़ी बहुत उठती, लेकिन तुमने तो मतलब पूरे आदमी गिरा दिया, गाड़ी इधर उधर हो गई। मतलब यार कैसे कर लेते हो यार ये सब? Excuse me.